साथियों, यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि चित्रात्मक उत्तर प्रदेश के संबंध में निकाली गई है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इसका जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक ढांचा और इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चीज़ें दी गई उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई जिसका निर्माण राज्यपाल एवं दो सदनों विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है अनुच्छेद 154 के तहत। 154 के तहत राज्यपाल में निहित है। और 153 में क्या है, 153 में कि एक राज्यपाल होता है और इसका प्रयोग हुआ संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल से संबंधित जो पद है ये उनकी योग्यता संबंधी और जो कुछ प्रमुख तथ्य उन तथ्यों की यहाँ बात करें तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए और योग्यता में क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य था, किसी लाभ के पद पर वह न हो। इसके अतिरिक्त राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है अनुच्छेद 156(1) के तरीके से, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार। सामान्यता जो है इनकी पद की जो पदावधि होती है वो पद ग्रहण की तिथि से कार्यावधि जो होती है वो 5 वर्ष तक होती है। और राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। 159 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार कि राज्यपाल के शपथ के बारे में किसमें है, तो 159 में है। और यहीं पे दो एक आध बातें और ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए राष्ट्रपति के मतलब शपथ की बात किसमें है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 60 में है। और जबकि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो लिया जाता है उसके बारे में कहाँ पर है, 69 में है, और राज्यपाल के बारे में 159। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है और यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो सभी से सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है अनुच्छेद 163 के तहत। तो जो मंत्रिपरिषद की बात है 163 में है। इसके अतिरिक्त 161 के अनुसार जो है राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोषित व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण का अधिकार दिया गया है। तो राज्यपाल के की जो क्षमा की शक्तियां हैं वो 161 में है जबकि राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। इसकी जो महीने की प्रतिमाह वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपये होता है। इसके अतिरिक्त भत्ता वगैरह जो है वो अलग होते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों की आप बात करें तो देखिए, सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को 4 बार अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं जो 19 जुलाई 2019 से अपने पद पर हैं। उत्तर प्रदेश की वह पहली मुख्यमंत्री जो देश में किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक थी, ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक अपने पद पर थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। पहली आपकी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी सुश्री मायावती जी। और वहीं 2 महिला राज्यपाल भी हुई, पहली आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू और दूसरी आनंदीबेन पटेल हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। मतलब 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों ने या पॉलिटिशियन को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 3 लोग कौन से हैं, चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभान गुप्त एवं नारायण दत्त तिवारी जो है 4 कार्यकाल जिनमें 2 लगातार बार ये थे, ये प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपालों के बारे में बात करते हैं 1921 से अब तक की। तो यहाँ पर हम लोग केवल नाम देखेंगे, कार्यकाल की बात नहीं करेंगे। देखिए,
संयुक्त प्रांत के रूप में जब उत्तर प्रदेश था तो उस समय जो पहले इसके राज्यपाल बनते 1921 में वो कौन थे, सर हरकोर्ट स्पेंसर बटलर। तो इनका नाम याद रखिएगा, सर हरकोर्ट स्पेंसर बटलर। और उसके बाद जब आज़ादी मिलती है, आज़ादी के बाद पहली जो राज्यपाल होती हैं वो श्रीमती सरोजिनी नायडू बनती हैं 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक के लिए। इसके बाद जो अन्य लोग बनते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, श्री बीबी मलिक, श्री एचपी मोदी, आगे श्री के एम मुंशी। देखिए जब उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नाम हो जाता है आपका 1950 में, तो उस समय राज्यपाल कौन रहते हैं, एचपी मोदी, के एम मुंशी, श्री वारागिरी वेंकट गिरी, डॉक्टर बी रामकृष्ण राव, श्री विश्वनाथ दास, इसके अतिरिक्त डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी, श्री शशिकांत वर्मा, श्री अकबर अली खान, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, श्री गणपत राव देवजी तापसे, श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, मोहम्मद उस्मान आरिफ, श्री बी सत्यनारायण रेड्डी, श्री मोतीलाल बोरा, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, दो बार कार्यवाहक बनते हैं, श्री रोमेश भंडारी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री सूरज भान, श्री कृष्णकांत शास्त्री, श्री सुदर्शन अग्रवाल, श्री टी वी राजेश्वर, श्री बी एल जोशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, श्री राम नाइक और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस प्रकार से 20वें नंबर की कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और ये दूसरी महिला राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। आगे चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो पहले विधान परिषद की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर यथाशक्ति 1/3 सदस्य जो है सेवा से निवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन जो है, गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प या प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक से भिन्न यदि वो धन विधेयक नहीं है तो, को प्रथम बार 3 माह तक तथा द्वितीय बार 1 माह तक रोक सकती है, मतलब कुल मिलाकर कितने महीने रोक सकती है, 4 महीने तक रोक सकती है। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो डॉक्टर सर सीताराम थे। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन रहते हैं, श्री चंद्रभाल। और आगे देखते हैं, अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 403। पहले 403 प्लस 1 इक्वल 404 हुआ करता था। ये एक जो था ये मनोनीत एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जिन्हें अब जो है संविधान संशोधन के माध्यम से ये हटा दिया गया है, तो अब 403 है। देखिए विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में वयस्क मतदाताओं, ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष से उससे अधिक के हैं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में 12 तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाले जो जिले हैं उसमें चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती, ये 5 जिले जो हैं सबसे कम सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं यहाँ पर, सबसे कम विधानसभा वाली सीटें हैं। विधानसभा का कार्य संचालन कौन करता, अध्यक्ष है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से लेकर के 10 अगस्त 1950 तक। और विधानसभा में सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष 2 लोग रहे, श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री कृष्णनाथ त्रिपाठी। और 2 ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, श्री बनारसी दास और श्री श्रीपति मिश्र जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति एवं संबंधित कार्यकाल, तो ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्यसभा एवं लोकसभा संबंधी तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा हेतु कुल सदस्य संख्या कितनी है, 31 है और लोकसभा की 80 है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, जबकि SC अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें जो हैं आरक्षित हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं आपकी लोकसभा की। अब ये 17 सीटें कहाँ पे हैं, एक बार नाम देख लीजिए, याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहाँपुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछलीशहर, रॉबर्ट्सगंज।
आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री राज्य की प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा प्रशासन एवं विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं, तो आर्टिकल 167 के तहत, ठीक है। इसी प्रकार का जो प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए है केंद्र में, वो आर्टिकल 78 के तहत है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे या पॉलिटिशियन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया, जब उत्तराखंड का मतलब उत्तर प्रदेश का बंटवारा होकर के उत्तराखंड बना। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने व्यक्ति हो गए? कुल मिला के 9 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री हैं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर केवल नाम देखते जाएंगे, कार्यकाल की बात नहीं करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत पहले रहते हैं, फिर सर्वपूर्णानंद, चंद्रभान गुप्ता, सुचेता कृपलानी, चंद्रभान गुप्ता दोबारा से बनते हैं, फिर चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रभान गुप्ता तीनबारा से बनते हैं, चरण सिंह दो बार बनते हैं, त्रिभुवन नारायण सिंह हैं। देखिए, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जो है ये बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, और देश की सुचेता कृपलानी किस नंबर की मुख्यमंत्री थी? तो ऐसे तो चौथे नंबर पर आती हैं, हाँ चौथे नंबर की आएंगी, चौथे नंबर की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमलापति त्रिपाठी, हेमोती नंदन बहुगुड़ा, नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र। तो श्रीपति मिश्र, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र जो हैं, ये एक सेकंड, ये दोनों लोग क्या रहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष पहले रहते हैं, बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं, बाद में ये लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। नारायण दत्त तिवारी, देखिए नारायण दत्त तिवारी दो बार मुख्यमंत्री रहते हैं, तीन बार, ठीक है। इनके अतिरिक्त वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव आपके तीन बार मुख्यमंत्री रहते हैं, सुश्री मायावती लगातार दो बार रहती हैं, फिर कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, तिवारा सुश्री मायावती बनती हैं, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर चौथी बार सुश्री मायावती बनती, फिर अखिलेश यादव, फिर वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं 19 मार्च 2017 से अब तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के अनुसार योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 21वें मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण ली थी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 से 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्षों के बारे में बात करें तो इसमें हमें नाम याद करने कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहले पुरुषोत्तम दास टंडन रहते हैं विधानसभा अध्यक्ष, इसके बाद श्री नफीसुल हसन, नाम देख लेते हैं, आत्माराम गोविंद खरे, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, मदन मोहन वर्मा, श्री आत्माराम गोविंद खेर, फिर यहाँ देखिए श्री आत्माराम गोविंद खेर तीन बार बनते हैं, श्री आत्माराम गोविंद खेर और जो केसरीनाथ त्रिपाठी, ये तीन बार बनते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे श्री वासुदेव सिंह, श्री बनारसी दास, जगदीश शरण अग्रवाल हैं, मदन मोहन वर्मा हैं, श्री नियाज हसन हैं, श्री धर्म सिंह, श्रीपत मिश्र बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं, बनारसी दास और श्रीपत मिश्र जो है बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं, श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव, केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री धनीराम वर्मा, केसरीनाथ त्रिपाठी दो बार बनते हैं, श्री बरखूराम वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री माता प्रसाद पांडे, सतीश महाना, मतलब
हृदय नारायण दीक्षित 22वें, फिर वर्तमान में जो है सतीश महाना है। ठीक है, अब यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 होती है, 15 अगस्त 1949 को, और पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु चुनाव के लिए 21 वर्ष है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया, जो 24 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। इसके पश्चात भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग 1995 से चुनाव करवा रहा है पंचायतों का। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो सबसे ऊपर चलते हैं, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा, यहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं इनके द्वारा अपने सदस्यों के में से 20 से होता है। क्षेत्र पंचायत, इसके भी सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उपप्रमुख एवं सदस्य होते हैं। प्रमुख तथा उपप्रमुख का चुनाव जो है सदस्यों द्वारा अपने बीच में से होता है। ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर होता है। ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। वहीं उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है अपने में से, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे 1000 तक जनसंख्या तो 9 सदस्य, 1000 से ज़्यादा किंतु 2000 से कम तो 11 सदस्य, 2000 से 3000 के बीच यदि है तो 13 सदस्य, और 3000 से अधिक है तो 15 सदस्य। तो 9, 11, 13, 15। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायतों की बैठकों के बारे में बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है और दो, और यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठकों की बात करें तो सामान्यतः प्रत्येक महीने कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए, और दो लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 महीने तक कोई बैठक ही ना हो। अगली बात, किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। मतलब जिस दिन ग्राम पंचायत गठन हो उस 30 दिन के भीतर पहली बैठक हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक, वो हमने बात की, ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम सभा की बैठक, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। देखिए, ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें प्रत्येक ग्राम सभा की होती हैं। पहली खरीफ की बैठक, ये खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होती है, और दूसरी है बैठक रवि की बैठक, जो रवि की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। आगे देखते हैं, ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है, और इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। मतलब जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
यदि बैठक में गणपूर्तिया अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से एक वर्ष के भीतर नहीं ला सकता, मतलब एक वर्ष के बाद ही फिर से प्रस्ताव ला सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ ग्राम पंचायत संबंधित कुछ अन्य चीजों की बात करें। देखिए इससे संबंधित जो कार्यक्रम है तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योष्टि स्थलों का विकास, ये सभी ग्राम पंचायत संबंधित कार्य हैं या योजनाएं हैं। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो कि स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की स्थापना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन या भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। आगे चलते हैं, राज्य वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन वर्ष 1994 में किया गया था, 1994 में। ये करता क्या है, संप्रति नगर निकायों को कुल विभाज्य पूल का 60% तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित की धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग जो जिसकी सिफारिशें लागू हैं, ये इसके अध्यक्ष कौन रहे, आनंद मिश्र, और इसका गठन 2015 में होता है, 2015 में गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष आनंद मिश्र रहे हैं। देखिए पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20% जिला पंचायत को, 10% क्षेत्र पंचायत और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवीनतम 6ठे पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुए थे कोविड के टाइम में। ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों, कुल 826 क्षेत्र पंचायतों तथा 58,076 ग्राम पंचायतों के लिए कराए गए। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। आगे हम नगर निकाय की बात करते हैं, नगर निकाय के बारे में। तो देखिए नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्ष 1916 में प्रारंभ हुआ। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 110 होती है। निगम निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था के लिए विशेष व्यवस्था तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार कितने हैं, तो कुल 3 प्रकार के, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो ये हैं नगर निगम की बात कर लेते हैं। तो नगर निगम में एक मेयर तथा एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं, ठीक है। अब सभासदों में 3 प्रकार कौन से होते हैं, तो देखिए सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। वहीं मेयर के बारे में बात करें तो मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा होता है। मेयर 5 वर्ष से चुने जाते हैं तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, 2 वर्ष बाद ही ला सकते हैं। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, तो 17 नगर निगम कार्यरत हैं। 2018 में शाहजहांपुर लेटेस्ट घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।